तरफ ग्वालियर से खबर है, जहां बीजेपी के राज्यसभा सांसद कल ग्वालियर पहुंचे दिल्ली से, और ग्वालियर पहुंचते ही मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी में कोई सिंधिया गुट नहीं है, बीजेपी केवल भारतीय जनता पार्टी है, यहां पर सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। क्योंकि प्रदेश प्रभारी, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जो बीते दिनों बयान दिया था, उसको लेकर कांग्रेस एक बार मुद्दे को उठा रही थी, तूल देने की कोशिश कर रही थी। मुरलीधर राव के बयान पर सिंधिया ने कहा कि मुरलीधर राव ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि सब एकजुट होकर सभी परिवार के रूप में काम कर रहे हैं। मुरलीधर जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुरलीधर जी ने ये कहा कि जब लोगों का समावेश हुआ है पार्टी में और लोग अब एकजुट होकर परिवार के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो सब उस समावेश में जब परिवार बढ़ता है तो सभी का समावेश होने में सभी को स्थान मिलता है। और जहाँ तक ये बात बार बार चलती है, कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ढिकाना गुट नहीं है, आप लोग बीजेपी को कवर कर रहे हो बहुत पहले से, बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। सुना आपने, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कौन सिंधिया मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में केवल पार्टी सर्वोपरि है, यानी भारतीय जनता पार्टी है। चलिए इस खबर पर हम रुक करेंगे, कुछ राजनीतिक मेहमानों का, राजनीतिक प्रवक्ता मेहमान हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं और अब बीजेपी की भी कोशिश करेंगे प्रतिक्रिया लेने की। पहला सवाल योगेश जी मैं आप ही से लूंगा, क्योंकि सिंधिया को हम जितना समझ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया सुन के तो यही लगता है कि वो पार्टी की रीति नीति से अवगत हो गए। बीजेपी कहती है कि सिंधिया तो पहले ही दिन से बीजेपी में बीजेपी के रंग में रंग गए। कांग्रेस बराबर यह आरोप लगाती आई है शुरू से कि कांग्रेस में रहते थे जब सिंधिया, तब उन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनकी बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन सिंधिया ने एक बार फिर स्पष्ट करा है, कांग्रेस कैसे देखती है इसे? देखिए, मार्च 2020 में एक समंदर के अंदर एक तूफान आया था, जिसको सुनामी लहर कह सकते हैं। और जब भी आप जानते हैं कि तूफान आता है तो तूफान का ना कोई विचार होता है, ना विवेक होता है, ना आगामी नियोजन होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तूफान लाया गया, उस तूफान में उस समुद्र के जो जीव जो भीतर थे, जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, वो बाहर हो गए, किनारे लग गए, और किनारे के कुछ टूट फूट करके वो समंदर में समा गए। ये भारतीय जनता पार्टी की कहानी है। आज समंदर शांत हो चुका है, पानी ठहर चुका है, लेकिन अब वो बातें सामने आ रही है कि जो बाहर है, जो सत्ता में नहीं आ पाए, जो वरिष्ठ है भारतीय जनता पार्टी के, वो महसूस कर रहे हैं कि भाई हम तो यहाँ के स्थायी हकदार थे और हमने इस पार्टी के लिए समर्पण किया और आज हमें ही आपने रास्ता दिखा दिया। मंत्रिमंडल में जिस तरीके का गठन किया गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठों को की उपेक्षा की गई, वो जग जाहिर है। यानी दबी जुबान में सिंधिया स्पष्ट नहीं कह रहे। एक महत्वपूर्ण बात और है, तो जिस तरीके से सिंधिया जी के साथ जो कांग्रेस के लोग गए, आज उनको संगठन में कोई तवज्जो नहीं मिली है, आज संगठन में वो ना कांग्रेस के रहे ना बीजेपी के, तो ये जो विसंगति पैदा हो रही है, तो इस तरीके के बयान स्वाभाविक है। और सिंधिया जी भले ही लाख कहे कि सिंधिया जी का कोई गुट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि सिंधिया जी हमेशा आत्म केंद्रित राजनीति करते हैं और ये अब धीरे धीरे परिणाम आने लगे। जैसे मैं लौटूंगा आपके यहाँ सुमेश जी, मैं लौटूंगा। उमेश शर्मा जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, क्योंकि योगेश यादव जी ने तो अपनी बात पूरी कह दी है। उमेश जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी आपने सुना योगेश यादव जी ने बात कही है, मैं इसे इस तरह से लूंगा, चलिए समंदर का उदाहरण योगेश जी ने दिया है, मैं नदी का दूंगा, क्योंकि पार्टी शुरू से कहती आई है कि जब दो नदियां आपस में मिलती है तो कुछ वक्त तक जरूर पानी अलग हो सकता है, लेकिन आगे चल के दोनों का पानी का रंग एक जैसा ही हो जाता है। बीजेपी के रंग में सिंधिया पहले दिन से ही रंग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस समय समय पर यह बात कहती रहती है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा कुछ नहीं मिल रहा है और गुटबाजी बीजेपी में भी है। आप कैसे देखते हैं बतौर पार्टी प्रवक्ता? कांग्रेस के मित्रों को माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की चिंता करने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, और राज्यसभा में जिस प्रकार से कल उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बातों को रखा था, तार्किक ढंग से रखा था, इससे बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है कि ये जिस समुद्र की चिंता मेरे मित्र योगेश जी कर रहे थे,
तो समुद्र का स्वभाव होता है कि बहुत सारी नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलती है, अंततः समुद्र में जाके विलीन हो जाती है और एकाकार हो जाती है, उनका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक संगठन है और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इस विचार आधारित राजनीतिक संगठन के कैडर बेस कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ नेताओं का विशेषण नहीं होता है। हमारी पार्टी परिवार में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, वो सभी कार्यकर्ता होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सम्मान है, वो हमारी पार्टी परिवार के हैं। अब वो गद्दीनों की बात हो गई कि किसी समय वे कांग्रेस में रहा करते थे, जिस समय वे कांग्रेस पार्टी में थे तब तो कांग्रेस के मित्रों ने उनकी चिंता करी नहीं, तब तो ज्योतिरादित्य जी और कमलनाथ की दुर्भिक्ष संधि ने एक नौजवान और संभावनाशील चेहरे को कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी का भविष्य निर्माता भविष्य में मध्य प्रदेश में बन सकता था। और आज जब ये भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कांग्रेस के मित्रों की चिंता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ न्याय नहीं हो। चलिए उमेश जी, मेरे पास समय की कमी है क्योंकि इस पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आप दोनों प्रवक्ता मेहमानों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक एक प्रतिक्रिया मुझे चाहिए थी आप दोनों से और वो मुझे मिल चुकी है। कुल मिलाकर बात इतनी है, देखिए बीजेपी शुरू से कहती आई है कि हम काडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ पर कोई नेता कोई कार्यकर्ता बड़ा छोटा नहीं होता, हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है यानी भारतीय जनता पार्टी। और सिंधिया ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ दी है मुरलीधर राव के बयान पर, वो कह रहे हैं कि परिवार जब बढ़ता है तो सभी को समावेश मिलता है। लेकिन कल देखिए आप जिस तरह राज्यसभा में सांसद सिंधिया ने जो प्रतिक्रिया दी थी, उसके बाद दिग्विजय ने भी उनकी तारीफ की तंज कसते हुए कि यूपीए में रहते हुए सिंधिया जिस तरह से दमदारी से लड़ते थे, सरकार के खिलाफ बोलते थे, अब बीजेपी में आने के बाद भी ठीक उसी तरह से वो बात कर रहे हैं।